चेतना क्यों भूला तो प्यारी अम्मी जनाने बनोगे साड़ी पहनोगे छुपाओगे कैसे ना तो तुम पे औरतें जैसी चाल आए ना औरतें जैसी बातें आए और जब डेल हाथ की दाढ़ी लटक रही है संकट ऐसे कहां ले जाओगे ज्यादा करोगे अम्मी नहीं जाएंगे बोले दादा बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ तुम बैठो हम तो चले साड़ी उठा लिया जनाने बने और बाल श्रृंगार कर बैठे भोले बाबा क्या दशा है शंकर जी की वहां कैलाश पर्वत पे सारी पहनी अब बता पार्वती अब भी कोई पहचानेगा पार्वती जी बोली महाराज मेरी बात मान लो ना मान ना जा गोपियां पहचान लेंगी मेरी बड़ा हंसी होगी शंकर जी बोले पूरी रात होगी मत जा हम तो अब चले भाई क्या चल दिए भोले बाबा से पार्वती बोली बोलो हम भी आ रहे बोले आगे आगे चलो पीछे पीछे चल रहे हैं बड़े खुश हैं शंकर जी सोच रहे हैं बचपन में दर्शन हुए थे कन्हैया के दोबारा अब दर्शन होंगे अब महाराज में घुस भी नहीं पाए उससे पहले एक लड़की ने द्वार पर खड़ा कर लिया खड़ी हो जा पार्वती जी बोली हम तो महाराज देख रहे हैं देखो खूब देखो ऐसे थोड़ी देखोगी कैसे देखेंगे परिचय बताओ कहां से आए क्या नाम है तुम्हारा कहां रहती हो ऐसे नहीं पार्वती सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे जो पीछे घूंघट मारे खड़े के लिए क्या कहेंगे कौन है बोले आपने हमें पहचाना नहीं मैं हूं ना मैं कैलाश पर्वत से आई गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी हो आप